इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। जी हाँ, आपको बता दें कि बाराबंकी के थाना मजौली पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर फर्जी लूट का पर्दाफाश किया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लूट की साजिश रचने वाले सेल्समैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो बाराबंकी से आ रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 1,69,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि चोरी की सूचना मिलते ही तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने तुरंत 3 पुलिस टीमों का गठन किया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रामनगर दिनेश दुबे के पर्यवेक्षण में टीमों का गठन किया गया। गठन करने के बाद 12 घंटे के अंदर 100% रुपए को बरामद किया गया और सेल्समैन सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं जहां पर पुलिस का तेज तर्रार रवैया सामने आया है। 12 घंटे के अंदर फर्जी लूट का पर्दाफाश किया गया है। मसौली थाना क्षेत्र में 12 घंटे के अंदर एक लूट का खुलासा किया गया है और इसमें वादी जो है अजीत कुमार जो गोंडा के रहने वाले हैं, उन्होंने मसौली थाने पे आके तहरीर दिया था कि रामनगर और मैला रायगंज में उनकी शराब की दुकान है और उनका जो सेल्समैन है सोनू यादव, वो 2 लाख रुपए लेकर के जा रहा था, जिसको करपिया नहर के आगे 2 अज्ञात व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर से आए और उन लोगों ने रोक लिया और उसके बाद उसके पास से जो 2 लाख रुपए थे वो लूट लिया। इस आधार पे थाना पे मसौली में मुकदमा लिखा गया था 392 का और तत्काल टीमें बनाई गई, जिसमें हमारे एडिशनल SP और CO साहबान ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस टीम का नेतृत्व करते हुए पूरा सीरियस डेटा एनालिसिस और लोगों से पूछताछ किया और इसमें घटनाक्रम पूरा निकल के आया कि जो सेल्समैन है सोनू यादव, इसने अपने मालिक के यहाँ से 1,79,460 रुपये, ये टोटल जो 2 दिन का कलेक्शन था, उसने उठा लिया और ले जाके करपिया नहर के पास इसने झाड़ियों में छुपा दिया। अपने मोटरसाइकिल से गया और वहाँ ले जाके छुपा दिया। छुपाने के बाद ये 3-4 घंटे घूमता रहा और लूट की प्लानिंग बना करके इसने एक राहगीर से फ़ोन लेकर के फ़ोन किया अपने मालिक को कि हमारे साथ लूट हो गई है, और लूट के बाद ये थाने आया और थाने पर इसने तहरीर दिया। उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीमों ने सक्रिय दिखाते हुए पूरा जो घटनाक्रम है उसका अनावरण किया है। इसमें टोटल जो 100% रिकवरी की गई है, जो 1,79,460 रुपए गायब हुए थे वो बरामद हुए हैं और उसके बाद ये व्यक्ति पकड़ा गया है और अब इसे जेल भेजा जा रहा है।